देख पाने आज आम भिडर आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स होम साइंस यूनिट वन यूनिट वन रु आम कौन करना किसी दिमार्किया प्रश्नोत्तर आम आलोचना करवा। ओके देख पाने भिडियो गोटे गोटे लाइक करने सहित चैनल को जब प्रथम थर पर भिजिट कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु कारण जब आपने सब्सक्राइब करेंगे आपने ये चैनल सब सब्जेक्टर हाथ लेखा नोट सब सब्जेक्टर हाथ लेखा नोट भिडियो पाइबा सहित एमसीक्यू भिडियो पारे। ओके तेज डेरी कहीं चैनल को प्रथम सब्सक्राइब कर दिंतु। ओके आरंभ करवा देख पाने होम साइंस यूनिट वन जो प्रश्न हूँ कौन ना कोलेस्ट्रम कौन। ओके कोलेस्ट्रम ना शिशु जन्म होगा यथाशीघ्र मातृदुग्ध पीवा उचित साधारणत मातृ स्तन बाहर प्रथम क्षीर ईसत हलदी रंगर गार्ड क्षीर होता है जहाँ कस क्षीर बा कोलेस्ट्रम बोली कहुए। ओके जान लाने कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी शिशुठार रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। ओके कौटा कि कोलेस्ट्रम कोलेस्ट्रम जो एंटीबॉडी अच्छे सी हूँ कौन ना शिशुठार रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। ओके पे दुई नंबर प्रश्न देख रोग प्रतिरोधक शक्तिर कार्यकारिता संबंध में संक्षेप लेख। ओके उत्तर कौन हम ना शरीर मध्य विभिन्न संक्रमण जीवाणु भूताणु बीजाणु प्रवेश कले शरीर मध्य एक सुरक्षाकारी प्रतिपिंड एंटीबॉडी सृष्टि हुए प्रतिपिंड एंटीबॉडी पुष्टि सारे गठित और ए रोग प्रतिरक्षा सृष्टिकारी ग्लोबुलिन जहाँ कहुए इम्युनोग्लोबुलिन माने ग्लोबुलिन थाए जन्म समय रे शिशु मार गर्भ फूल प्लेसेंटा माध्यम रे एवं जन्म पर मार कोष क्षीर जोटा कहुच कोलेस्ट्रम द्वारा यही रोग प्रतिरोध शक्ति पाई थाए। ओके परवर्ती प्रश्न देख पाने तीन नंबर प्रश्न जे कृत्रिम अर्जित प्रतिरोधक शक्ति कौन शैशव अवस्था रे शिशु मानंकु टीका दान करा जाय से मानंकु ठारे केतेक मारात्मक रोग को प्रतिहत करिवार शक्ति सृष्टि करा जाय पारे कृत्रिम रोग प्रतिरोधक शक्ति निमन्ते शरीर मध्यकु इंजेक्शन बा टीका द्वारा संपूर्ण मृत बा निष्क्रिय रोग जीवाणु को प्रवेश कराइबा फलरे शरीर रे प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि हुए एहाकु अर्जित प्रतिरोधक शक्ति कहा जाय। बुझल पाने यही प्रतिरोधक शक्ति दुई प्रकार जथा सक्रिय और निष्क्रिय। ओके ये गला क्रिय लब्ध प्रतिरोधक शक्ति क्या कहुए कौन सी एक निर्दिष्ट रोगर निर्धारण पर औषध और इंजेक्शन प्रयोग करने फल शरीर में कोषगुड़िक प्राकृतिक कृत्रिम उपाय उत्तेजित होगास सक्रिय हो एंटीबॉडी सृष्टि करती जहाँ जीवन रे पुनर्बार से ही रोग प्रकोपुर शरीर को रक्षा करे एहाकु सक्रिय लब्ध प्रतिरोधक शक्ति बोली कहा जाए शरीर उक्त रोग जीवाणुर विष प्रभाव संस्पर्श रे आसीबा फलरे शरीर रे उक्त विष विरोधी प्रक्रिया सृष्टि हुए अर्थात थरे कोनोसी रोग भोग कले शरीर रे लब्ध और सक्रिय प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि हुए। ओके ये गला पांच नंबर प्रश्न देख पाने आसो निष्क्रिय प्रतिरोधक शक्ति क्या कहुए। ओके जे अर्जित प्रतिरोधक शक्ति दुई प्रकार जथा सक्रिय और निष्क्रिय शरीर मध्य को इंजेक्शन बा टीका माध्यम रे एंटीबॉडी सृष्टि होते बीसीजी एवं बसंत टीका उक्त रोगर दुर्बल बा निष्क्रिय जीवाणु द्वारा प्रस्तुत होता है कलेरा उक्त रोगर मृत जीवाणु मान द्वारा प्रस्तुत होता बेले डिप्थेरिया और टिटानस आदि रोगर उक्त रोगर विष प्रयोग द्वारा आयत कराए। ओके तापर प्रश्न देख डीपीटी बढ़िया प्रश्न इम्पोर्टाट डीपीटी कौन। ओके ना कंड अलती बा डिप्थेरिया जहाँ कहुए लहराकाश बा पिरीटुसिस ओ धनुष्टंकर बा टीटानस रोगर प्रतिषेधक रूपे गोटे मिलित टीका डीपीटी दि जाए शिशु दुई रु तीन मसर होता बेले यही प्रतिषेधक टीका दि जाए मन रख पाने यही टीका तीनोटी पर्यायर अर्थात शिशु को पांच वर्ष होगा पर्यंत यही टीका दि जाए शिशु को पांच वर्ष बयस बुस्टर डोज बा डीपीटी रो अतिरिक्त मात्रा प्रदान करा जाए पांच वर्ष बयस अतिक्रांत होगा डीपीटी दि जा अनुचित यह छड़ा ज्वर पीड़ित शिशु को मध्य यही टीका प्रदान करा जा अनुचित। अच्छा डीपीटी टीकाकरण पर शिशु को ज्वर होगा स्वाभाविक। ओके तापर देख पाने विनिंग कौन
ୱିନିଂ ଓକେ ଯା ଶିଶୁ ନିମନ୍ତେ ମାତୃଦୁଗ୍ଧ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ଅଟେ ମା ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଓ ସକ୍ଷମ ତଥା ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ତାର ସ୍ତନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥାଏ ତେବେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇ ଶିଶୁ ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ପରେ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତା ମା କ୍ଷୀର ପୂରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ବାହ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାକୁ ତରଳ ମଧ୍ୟମ କଠିନ ଏଭଳି କ୍ରମରେ ବାହ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇ ମା କ୍ଷୀର ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୱିନିଂ କହନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମା କ୍ଷୀର ଯେଉଁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓକେ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ୱିନିଂ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଓକେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଆଠ ନମ୍ବର ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଶିଶୁକୁ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମାସର ହେବା ପରେ ଶିଶୁ ଖାଦ୍ୟରେ ମା କ୍ଷୀର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାର ପୁଷ୍ଟିଜନିତ ଅଭାବ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଯଥା ତରଳ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଓ କଠିନ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁମୁଖୀ ଖାଦ୍ୟ ବା MPF ମଲ୍ଟିପର୍ପୋଜ୍ ଫୁଡ୍ ଗୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଓକେ ଓକେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ମହୀଶୂର ସ୍ଥିତ CFTRI ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତମାନର ବହୁମୁଖୀ ଖାଦ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଶ୍ୱେତସାର ଧାତୁସାର ଲୌହ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଦି ଜୀବସାର ରହିଥାଏ ଏହି ଆହାର ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥାଏ ଏଥିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଜୀବସାର ଓ ଧାତୁସାର ରହିଥାଏ ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ଖାଦ୍ୟକୁ କ୍ଷୀର ସୁପ୍ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶାଇ ଶିଶୁକୁ ଦିଆଗଲେ ଏହା ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ବିଷମଲିଙ୍ଗୀ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାନେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଝିଅମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମୟ ମାନେ କଟାଇବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏହି ବିଷୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମନାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥାଏ ତେଣୁ ପିତାମାତା ଅତିମାତ୍ରାରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନ ହୋଇ ସୁଯୋଗୋପଯୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ପିତାମାତା ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ନଜର ରଖିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ଓକେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କିପରି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଓକେ ନା ଉତ୍ତର ହେବ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ନା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍ ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ଏପରି କେତେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଅଛି ଯାହା ଶିଶୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ସାରା ଜୀବନ ତାହାକୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଏ ଅନେକ ଶିଶୁ ଏପରି ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହିପରି କେତେକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗରୁ ଶିଶୁକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିଛନ୍ତି କେତେକ ପ୍ରତିଷେଧକ ଓ ଟୀକା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏଭଳି କେତେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ଓ ଶିଶୁର ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ପେଟରେ ବାୟୁ ଓ ପେଟଟଣା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଦିଅ ଓକେ ଶିଶୁକୁ ଅତିଶୟ ଭୋକ ହେବା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଶିଶୁକୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବ ଖାଲି ଦୁଧ ବୋତଲ ଚୁଷିବାକୁ ଦେବ ଶିଶୁକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେବ ଯଦି ଅତିସାର ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ପେଟରେ ବାୟୁ ଜମିଯାଏ ଓ ପେଟ କଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ କାନ୍ଦିଥାଏ ତେଣୁ ଶିଶୁର ଖାଇବା ସମୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ଖୁଆଇ ଦେବା ଉଚିତ ଅତିଶୀଘ୍ର ନ ଖୁଆଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁଆଇବ ଖୁଆଇ ସାରିଲା ପରେ ତାହାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପିଠିକି ଆଉଁସି ଦେଲେ ସେ ଢକାର ନେଇଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟରୁ ବାୟୁ ବାହାରିଯାଏ ଯଦି ପେଟ ଗୋଳମାଳ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେଲ୍ଫ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଓକେ କେତେକ ଶିଶୁ ଭୋକ ଲାଗିଲେ କାନ୍ଦି ଉଠନ୍ତି ଓ ସେହି ସମୟରେ ମାତାକୁ ଶିଶୁର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହାକୁ ସେଲ୍ଫ ଡିମାଣ୍ଡ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଇବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁ ଥରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସମୟ ହେଲେ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦି ଉଠେ ଓକେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେ ଦ୍ରୁତ
द्रुत वृद्धि स्फुरण कहिले कौन बुझ किशोरावस्था आरंभरे हठात उच्चता ओ ओजन जो प्रकार परिवर्तन होइते ताहाको द्रुत वृद्धि स्फुरण बोली कहुए झील मैंने उच्चतर प्राय वर्ष को 31.2 इंच वृद्धि पाथ्वे बेले बाक मैंने 4 इंच हार में वृद्धि पाई हाथ गोड़ मुंड साधारणतः वयप्राप्त व्यक्ति आकार होता है किशोरी मान शरीर ओजन और मेद वृद्धि घटुवा बेले किशोर मानक मांसपेशी वृद्धि और शक्त होता है पुओ मान तुलन में झील मैंने शीघ्र ओजन प्राप्त हमें ओके तापर पिला देख शिशुर किशोरावस्थार समय निर्घंट कर किशोरावस्था को मुख्यतः 3 भाग में विभक्त कर ओके गोटे हूँ कौन ना किशोरावस्था प्रारंभ एर्ली एडोलेसेंस तापरे आ गोटे हूँ किशोरावस्थार मध्यावस्था मिडिल एडोलेसेंस तापरे वयप्राप्त अवस्था लेट एडोलेसेंस ओके देख लगे जो आम एर्ली एडोलेसेंस से पुओ पिला 11-13 वर्ष भितर आरंभ हो झील मान 10-12 वर्ष मध्य मिडिल एडोलेसेंस गुड़ा कहूँ मध्यावस्था किशोरावस्थार मध्यावस्था 13-18 वर्ष और झील मान 12-15 वर्ष वयप्राप्त लेट एडोलेसेंस से पुओ मान 19-21 वर्ष मध्य और झील मान 15-20 वर्ष मध्य ओके ये गला शिशुर किशोरावस्थार समय पे गोटे भल प्रश्न दे टीएबीसी कौन ओके तो टीएबीसी एक रोग प्रतिषेधक टीका ओके टीएबीसी टीका टाइफएड पाराटाइफएड ए एवं पाराटाइफएड बी ज्वर और कलेरारु रक्षा करे मन रख ओके शिशु को 2 वर्ष बयस हेले यही टीका प्रदान करा जाए प्रति 4 सप्ताह अंतर रे यही टीका रो 3 मात्रा प्रदान करा जाए यह परे प्रति 1 वर्ष अंतर रे ग्रीष्म आरंभ रे एक अभिवर्धक टीएबीसी रो टीका प्रदान करा जाए टीकाकरण परे ज्वर हेबा सह टीकाकरण स्थान रे व्यथा अनुभूति हुए ओके 17 नंबर प्रश्न बसंत टीका कौन बसंत प्रतिषेधक टीका शिशु को 3 मास होगा पर दिया जाए उचित वर्षक मध्य कौन समय यही टीका दि जाए शिशु मध्य कौन समय यही टीका दि जाए शिशु चर्म रे कौन रोग हो समय यही टीका बाहुर ऊपर अंश बा जंघ रे दि जाए थे वर्तमान बसंत रोग प्रादुर्भाव नथिबारु यही टीका आउ दि जाऊना देख एमएमआर कौन ओके एमएमआर हेउची एक प्रतिषेधक टीका एमएमआर शिशु को गालुआ मम्स जहाँ कहुच्छी मिलीमिला मिजिल्स जहाँ कहुच्छी और रुबेला आदि रोगर सुरक्षा प्रदान करता है यह शिशु को 15 मास होता समय दि जाए जदि शिशु को यही टीका दि जाए थे तेज मिलीमिलाई स्वतंत्र टीका देवा आवश्यक न था ओके पाने आजपाई परवर्त भिडियो में आलोचना करा ये होम साइंसर भल ही गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो को लाइक करने सहित चैनल को प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने भूल रही।